हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक इन ई ए स्टडी। और गाइस वेलकम बैक। और मेरे एक सब्सक्राइबर के कहने पे मैंने फिर से एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके सामने। और ये वीडियो होने वाला है ए टाइगर इन दी ज़ू में, जो कि आप उसका कमेंट देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में। इन्होंने मेरे को रिकमेंड किया है और इनको इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइस, इस MCQ में है आपके 10 क्वेश्चंस और इन सब का आपको टेस्ट देना होगा। सो गाइज़, अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पढ़ लूँगा आपका और आपकी वो नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा आपको जो भी चाहिए होगा। और गाइज़ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइज़, ये जो फाइल है ये मैंने खुद बनाई है, ये आप जानते ही हैं। और अगर आपको मेरे से कोई बातचीत करनी है तो आप मेरे को ea study140@gmail.com में मेल कर सकते हैं। सो नाउ गाइज़, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द पोएम ड्रॉस ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश। जो पोएम होता है गाइस, वो एक कॉन्ट्रास्ट बनाता है किसके बीच में गाइस, जो पोएट है वो कॉन्ट्रास्ट बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एनिमल ह्यूमन बींग्स नहीं होगा, टाइगर इन अ ज़ू ह्यूमंस नहीं होगा, ह्यूमन और टाइगर इन फॉरेस्ट नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, टाइगर इन अ ज़ू और टाइगर इन अ फॉरेस्ट, इन्हीं दोनों के बीच में जो है पोएट ने कॉन्ट्रास्ट बनाया है। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, व्हाट हैज़ बीन परसोनिफाइड इन द पोएम। इस पोएम में क्या परसोनिफाइड हुआ है, जो मेन करेक्टर वो है टाइगर, मेन करेक्टर ही इसमें परसोनिफाइड हुआ है। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। इस लाइन में इन हिज क्वाइट रीच, इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, ऑक्सीमोरॉन। गाइस क्वेश्चन नंबर फोर आपका, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्रिप्स। सो गाइस, इसका ऑप्शन आपको जो है ऑप्शन डी करेक्ट है, जो कि है कॉन्सोनेंस। क्वेश्चन फाइव है आपका, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। सो गाइस, इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, मेन मेटाफोर। क्वेश्चन सिक्स आपका, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन बेरिंग हिज वाइट फैंग्स कॉमा हिज क्लॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जो कि है कॉन्सोनेंस, जो कि मैंने उसको लिख भी रखा है नीचे। और गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ कर देंगे क्या इसमें करना है और आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे MCQ के। तो प्लीज़ एग्ज़ाम में आ सकते हैं, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेवन है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेवन आपका, वाई शुड ही बी लर्किंग इन द शेडो। सो गाइस, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके गाइस, ओके। सो गाइस क्वेश्चन नंबर एट है आपका, बाय इग्नोरिंग विजिटर व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। इसके ऑप्शन है आपके, ए टाइगर नोस हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड। टाइगर जानता है कि उसकी पावर यहाँ पर बंद हो चुकी है। देर इज़ नो यूज़ ऑफ शोइंग रेज, ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, ऑल ऑफ द एबव। सो गाइस, इस वाले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। सो गाइस ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर नाइन आपका, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ऐसे ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन टेन है, व्हाट डिस्क्राइब्ड टाइगर इन अ जंगल। इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स। सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। हमारे 200 सब्सक्राइबर को है गाइस, चलिए लिख करा दो 200 सब्सक्राइबर के लिए, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कमेंट करो आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।